माइक लगाना भूल गई, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। कभी अपना दिमाग भी साथ में ले आया कर। Hey guys, welcome to my channel. My name is Priya Darshnikar and today I am going to share that how I shoot my video. और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा सब की एक अच्छी वीडियो कैसे शूट करनी है। Specially if you are planning to make a makeup channel, तो आप उसके लिए कैसे अपनी वीडियो शूट करो मेकअप के लिए। आपको ना दिखाती हूँ कि मैं कहाँ शूट करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, किससे शूट करती हूँ। मैं अभी एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस वीडियो लाइक इतना पार्ट अपने रूम में, बिकॉज बाहर कुछ है प्रॉब्लम। कुछ क्यों इतनी बकवास कर रही हूँ मैं, हे भगवान। चलो मैं आपको अब लेके चलती हूँ अपने अपने हॉल में, क्योंकि मैं वहीं पर वीडियो शूट करती हूँ अपनी। तो लेट्स गो। आई लव यू। हॉल में आ चुकी हूँ एंड मैं आपको सारे एसेसरीज दिखाती हूँ कि जिस चीज़ से मैं वीडियो शूट करती हूँ। वो कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ ना, फर्स्ट पर जो चीज़ें जो लगती हैं वीडियो शूट करने में, मैं वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो तीन चीज़ें हैं एक्चुअली, चार चीज़ें, ट्राईपॉड, रिंग लाइट, माइक एंड फ़ोन। मैं अपनी वीडियोज़ फ़ोन से शूट करती हूँ। अभी मैं ना फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, तो अगर थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम हो रही होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो गाइस, दिस माय ग्रिया। गाइस, दिस इज द रिंग लाइट, डिजिटेक की है ये रिंग लाइट एंड 12 सेंटीमीटर वाली है। और ये है वो रिंग लाइट, काफ़ी अच्छी है। मैं भी आपको इसको ऑन करके दिखा दूंगी एंड इस पे आपको एक इसका कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोलर जो भी बोल लो आप, एंड ये अलग से आपको लगाना पड़ता है, ये इसके साथ नहीं मिलता अडेप्टर कोई सा। एंड ये मेरा चार्जर है जिसमें मैंने अपनी कलाकारी दिखा रखी है। और ये गाइस, ये है ट्राईपॉड। वाओ, जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये ट्राईपॉड है, मैं प्लग ऑन करना भूल गई थी। तो ये है हमारी रिंग लाइट एंड ये इसका होल्डर, मोबाइल का होल्डर। एंड इसमें ना तीन है, ये आई थिंक ये वार्म है, कूल है और ये एलईडी वाला है। एंड यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। वैसे है ये काफ़ी सही रिंग लाइट, पर थोड़ी छोटी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा बजट ही उतना था तो मैंने यही ली थी पहले पहले। तो ये है माइक, ये कंपनी का नाम है ऑफकोर्स। और इसके अंदर के गाइस, तो ये सामान है, इसके अंदर ये एक कार्ड है, पता नहीं किस चीज़ का जिसकी हमें ज़रूरत है। ये है जहर और ये है गाइस वो जो आप अगर अपने क्लोथ पे पिन करना चाहो तो उसके लिए है ये। और इसमें एक और चीज़ थी, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, उसकी ना मैं फ़ोटो आपको ऐसे साइड में कहीं पर डाल दूँगी। तो वो चीज़ भी थी कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको रिंग लाइट, ट्राईपॉड कुछ भी चाहिए रहेगा तो मैं उसके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। और गाइस, ये है फ़ोन, ये अभी मैंने दिवाली पे लिया था अपनी सेविंग्स कर करके। सैमसंग F62 है ये, यस। तो मैंने यही लिया था अभी, बाल आ रहे हैं मेरे, अभी दशहरा पे लिया था मैंने ये, काफ़ी अच्छा है ये। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अपनी कैसे सेटअप करती हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ पे अपने टेबल के ऊपर ट्राइपॉड रखती हूँ एंड सोफे के ऊपर बैठ के अपनी वीडियो शूट करती हूँ। जो ये दोनों मैंने बैकग्राउंड दिखता है, पहले ये भी दिखता था, पहले मैं अपने ऐसे रखती थी, मतलब पूरी बॉडी अपनी यहाँ पे बीच पे, तो ये भी दिखता था, ये भी दिखता था। पर जब मैंने उसको उधर शिफ्ट करा, केवल वाइट वाला पैनल वाला और वो कर्टन वाला साइड, तो वो ज़्यादा वीडियो अच्छी लगने लगी। ये तो वैसे अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, पर वीडियो के हिसाब से प्लेन बैकग्राउंड ही बेटर रहता है। अभी मैं आपको सेटअप करके दिखाती हूँ सारा। ओके गाइस, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेटअप कर दिया, मैं ऐसे सेटअप करती हूँ इसको। एंड गाइस, इसको मैंने एक्सटेंशन से ऐसे कनेक्ट कर रखा है बिकॉज इसका तार छोटा है। यहाँ से मेरे राइट साइड से ये वाली लाइट पड़ती है, सामने से ये लाइट पड़ती है एंड लेफ्ट साइड से इसकी और इसकी, और ये भी है झूमर वगैरह जो भी कहते हैं इसको। अगर आप रिंग लाइट नहीं ले सकते तो आप तीन अच्छी वाली LED ले आओ, राइट, लेफ्ट और फ्रंट पे, उसको लगा दो। तो फिर वो सारी ऑन करके आप जब वीडियो बनाओगे तो आपके सारे डायरेक्शन से लाइट आएगी, बहुत अच्छा दिखेगा कैमरे पे। और माइक्रोफोन, माइक एक ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वॉइस माइक्रोफोन पे। ये वीडियो
ये वॉइस हो या केवल मोबाइल के फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है आपका फ़ोन का और माइक्रोफोन का जब रिकॉर्ड करते हो आप। तो टाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं सबको बंद कर दूँगी तो बहुत डिम हो जाएंगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। आपके हर साइड से लाइट आनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और अगर मैं इस रिंग लाइट को बंद कर दूँगी तो फिर यही होगा, बिल्कुल ही अंधेरा। आपके जीवन की तरह आपके रूम में भी बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, तो ये काम मत ही करना। सब कुछ ऑन करके ही वीडियो बनाना, तो ऐसे शूट करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही टाइप की वीडियो शूटिंग रिलेटेड या फिर एडिटिंग रिलेटेड या फिर थंबनेल वगैरह के लिए भी कोई वीडियो शूट करूं एंड अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ज़रा सी भी बेनिफिशियल रही हो, एंटरटेनिंग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड आप मेरी बाकी सारी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।